हेलो, जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। मैं विवेक अपने इस यूट्यूब चैनल करियर मिरर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आज मैं फिर उत्तर प्रदेश विशेष लेकर के आया हूं, और इसके तहत मैं आपको 1000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा हूं, जिसके तहत मैं आज पार्ट थर्ड लेकर के आया हूँ। इसका पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकेंड मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अगर आपने अभी तक इसका पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकेंड नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उसे ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को पुश कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलती रहे। तो बढ़ते हैं इसी क्रम में। आज पार्ट थर्ड में हम 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे एमसीक्यू के माध्यम से। तो बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम के हैं, और जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं। तो बढ़ते हैं इसी क्रम में, आगे देखते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है बिरजू महाराज कथक से, दूसरा ऑप्शन है बिस्मिल्ला खां सहनाई से, तीसरा है जाकिर हुसैन हारमोनियम से, और नेक्स्ट ऑप्शन है अमजद अली खां सरोज से। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो जाकिर हुसैन है। जाकिर हुसैन हारमोनियम जो कि सुमेलित नहीं है, ये हारमोनियम से सुमेलित नहीं है, ये किससे संबंधित है तो ये आपका तबला वादक हैं, ये तबला वादक हैं, याद रखेंगे। ठीक है, जाकिर हुसैन जो हैं वो तबला से संबंधित हैं। ठीक है, बिरजू महाराज कत्थक से हैं, आप याद रखेंगे। बिस्मिल्ला खां सहनाई वादक हैं, और जाकिर हुसैन तबला से संबंधित हैं, और अमजद अली खां सरोद वादक हैं। तो आपको बात क्लियर हो गई होगी। ये चारों मैंने बता दिए कि जाकिर हुसैन, पहली बात तो इसका इस क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर है, जो कि हारमोनियम से सुमेलित नहीं है। लेकिन फिर भी जाकिर हुसैन संबंधित किससे हैं तो तबला से संबंधित हैं, आप ये भी याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर जो है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। ये क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में, यानी किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। तो ऑप्शन है ब्रजभाषा, ऑप्शन बी है अवधी, नेक्स्ट है खड़ी बोली भोजपुरी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो खड़ी बोली है। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है। तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि सितार जो है वो सितार मिश्रण किसका है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि बांसुरी और वीणा इनका मिश्रण है, बांसुरी और सारंगी का मिश्रण है, वीणा और तंबूरे का मिश्रण है, वीणा और पियानो का मिश्रण है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो वीणा और तंबूरे, यानी वीणा और तंबूरे का मिश्रण सितार कहलाता है, तरीके से आप कह सकते हैं। तो सितार अगर पूछता है किसका मिश्रण है तो वीणा और तंबूरे का मिश्रण है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करा निम्न से कौन सुमेलित नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। आला महोबा से, तो ये तो करेक्ट है। जो बिरहा कन्नौज से, ये आपका करेक्ट नहीं है। आगे देख लेते हैं, रशिया बरसाना से, ये भी करेक्ट है। कजरी मिर्जापुर से, ये भी करेक्ट है। ये जो कजरी है ये मिर्जापुर के अलावा, ये तुम आपका बनारस हो गया और अवध हो गया, इससे भी संबंधित है। रशिया बरसाना से है तो क्लियर हो गया। आला महोबा से, ये जो बिरहा है कन्नौज से, ये जो बिरहा है ये करेक्ट आंसर है। बिरहा ये सुमेलित नहीं है। तो ये बिरहा कन्नौज से सम्मिलित नहीं है, तो किससे सम्मिलित, क्या बोलते, किससे सुमेलित है। तो इसका करेक्ट आंसर है कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश। ठीक है, और जो दूसरा, या एक तरीके से कह सकते हैं जो दूसरा एक तरीके से बिहार का पश्चिमी क्षेत्र, दो तो क्षेत्रों से बिलोंग करता है बिरहा, एक पूर्वी उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार का पश्चिमी क्षेत्र। ये बिरहा, बिरहा से विरह आप समझते हो कि कष्ट है ना, तो ये एक कष्ट भरा गीत एक तरीके से है। तो जो कि अहिर, जो समुदाय होता है अहिर समुदाय, उसके द्वारा गाया जाता है। आप ये भी याद रखेंगे कि बिरहा जो है वो अहिर समुदाय के द्वारा गाया जाने वाला एक गीत है। तो आप याद रखेंगे कि आला मोहब्बत से संबंधित है, रसिया बरसाना से, कजरी मिर्जापुर के अलावा बरसाना, और बरसाना बता रहे हैं कि सॉरी, कजरी जो है मिर्जापुर के अलावा बनारस और अवध से संबंधित है। ठीक है, और ये जो बिरहा है किससे संबंधित है, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश हो गया, आप याद रखेंगे। और जो बिहार का पश्चिमी क्षेत्र है वो इसका करेक्ट आंसर है, जो कि बिरहा संबंधित कहाँ से है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो इसका करेक्ट आंसर है फरवरी। ताज महोत्सव जो है वो फरवरी में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, करा निम्न में से कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन है कजरी बनारस, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कजरी जो है वो मिर्जापुर बनारस अवध तीनों संबंधित है।
उसके अलावा जो बिरहा कानपुर, यही गलत है, ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि मैंने बताया है कि बिरहा कानपुर से नहीं, ना ही कन्नौज से, बिरहा जो संबंधित है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार क्षेत्र से संबंधित है। होली ब्रज से संबंधित है, ये करेक्ट है। नौटंकी यह हाथरस से संबंधित है, ये भी करेक्ट है। तो आपको करेक्ट आंसर इसका हो गया बिरहा कानपुर, जो कि सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो आपको बात सुन में आ गई होगी कि कजरी बनारस से है, होली ब्रज से है, नौटंकी हाथरस से है, जो बिरहा है वो कानपुर से नहीं है, बिरहा जो है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार क्षेत्र है, इससे संबंधित है। ये काफ़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीट हुआ, आपने देखा 2 बार रिपीट हो चुका है। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कर्मा ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका ऑप्शन है कर्मा महोबा से, धुरिया बुंदेलखंड से, धीवर कहार से, नटवरी पूर्वांचल से। तो इसका करेक्ट आंसर देख लें तो नटवरी पूर्वांचल से करेक्ट है, धुरिया बुंदेलखंड से ये भी करेक्ट है, धीवर कहार से ये भी करेक्ट है, और ये कर्मा महोबा से ये करेक्ट नहीं है। ये जो कर्मा महोबा से है ये करेक्ट नहीं है, ये किससे संबंधित है, तो सोनभद्र से संबंधित है, ये सोनभद्र से संबंधित है, आप ये याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। तो ऑप्शन है बिरहा, ढोला मारू, कजरी, रशिया। तो बिरहा जैसा कि मैंने अभी बताया है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार का लोकगीत है, तो ये तो हो ही गया। और ये जो है अहिर समुदाय के द्वारा, जो यादों में अहिर समुदाय होता है उनके द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत है। जो कजरी है ये तो बता चुके हैं आपको कि ये मिर्जापुर, बनारस और अवध संबंधित है, रशिया ये बरसाना संबंधित है। ये जो ढोला मारू है ये यूपी से संबंधित नहीं है, तो ये संबंधित किससे है, तो ये राजस्थान से संबंधित है, ये राजस्थान से संबंधित है, आप ये याद रखेंगे कि ढोला मारू जो संबंधित है वो किससे संबंधित है, तो राजस्थान से संबंधित है। और बाकी बिरहा जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश से, कजरी जो है आपका अवध और मिर्जापुर, और बनारस से संबंधित है रसिया बरसाना से। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन है आल्हा बुंदेलखंड, ये तो सुमेलित है, और बिरहा पूर्वांचल ये भी सुमेलित है कि पूर्वांचल से है, चैती रुहेलखंड ये सुमेलित नहीं है, ये चैती जो है ये सुमेलित नहीं है, कजरी अवश्य है, ये तो मैं बता चुका हूँ पहले ही। तो ये जो चैती रुहेलखंड से है, रुहेलखंड से संबंधित नहीं है, चैती जो है पूर्वांचल से संबंधित है, पूर्वांचल से संबंधित है, क्या संबंधित है, तो चैती। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चैती। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो चैती सुमेलित नहीं है, ये चैती जो है वो रुहेलखंड के बजाय पूर्वांचल से संबंधित है। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। पूछ रहा है इनमें से कौन सा है जो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, चरकुला नहीं है, धुरिया नहीं है, कर्मा नहीं है, मुरिया नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो मुरिया नहीं है, क्योंकि चरकुला जो है, धुरिया, कर्मा ये सब आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, कर्मा जो कि सोनभद्र से है आपको पता होगा, ये धुरिया चरकुला ये सब यूपी संबंधित हैं, ये मुरिया जो है ये उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। तो किससे संबंधित है, तो ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है, आप याद रखेंगे, ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है मुरिया, और ये मुरिया जो है वो मोरी जनजाति के द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है, ये भी याद रखेंगे। और मोरी जनजात कहाँ पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, ये भी याद रखेंगे। तो ये मुरिया नृत्य जो कहाँ से संबंधित है, तो छत्तीसगढ़ से संबंधित है, ना कि उत्तर प्रदेश से। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा आपका कि धुरिया लोक नृत्य है, तो धुरिया की बात कर रहा है कि धुरिया लोक नृत्य क्या है, अवध का है, बुंदेलखंड का है, पूर्वांचल का है, या रोहेलखंड का है। तो जो धुरिया जो है ये लोक नृत्य जो है वो बुंदेलखंड का लोक नृत्य है, और ये जो धुरिया जो है ये कुम्हारों के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है, ये भी याद रखेंगे आप। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जी संबंधित हैं बनारस घराने से, किराना घराने से, लखनऊ घराने से, रामपुर घराने से। तो इसका करेक्ट आंसर है किराना घराने से। ये जो प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जी हैं वो किराना घराने से संबंधित हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है धुबिया है, राई है, सायरा है, उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि धुबिया, राई, सायरा ये तीनों ही उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। राई आपको बता दें कि ये जन्माष्टमी पर गाया जाने वाला एक तरीके से लोक नृत्य है,
जो राई है जन्माष्टमी पर किया जाने वाला लोक नृत्य है और ये बुंदेलखंड की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, आप ये भी याद रखेंगे। तो ये जो राई है, धोबिया है, सायरा है, ये तीनों ही उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय कब बना। टाइम पीरियड पूछ रहा है इसका कि भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय कब बना है। तो ऑप्शन है कि 1998 में, 2001 में, 2003 में, 2004 में। तो इसका करेक्ट आंसर है 2001 में भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय जो बना है वो 2001 में बना है, आप याद रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है। तो बात कर लेते हैं ऑप्शन पे, तो इसका ख्याल नृत्य हो गया, पाईडंडा नृत्य हो गया, बढ़ैया नृत्य हो गया, राय नृत्य हो गया। तो जो बुंदेलखंड से संबंधित ना होने वाला लोक नृत्य है वो बढ़ैया नृत्य है, ये बुंदेलखंड से संबंधित नहीं है। उसके अलावा जो ख्याल नृत्य है ये पुत्र जन्म होने पर गाया जाने वाला नृत्य है, पाईडंडा नृत्य ये अहिर समुदाय के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, राय नृत्य मैंने आपको बताया है कि ये बुंदेलखंड की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, जन्माष्टमी पर किया जाने वाला लोक नृत्य है। तो आपको चारों के विषय बता दिया मैंने। तो नेक्स्ट चलते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। आपसे पूछ रहा है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं, आला बुंदेलखंड से तो ये तो सुमेलित है, बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश से ये भी सम्मिलित है, कजरी रुहेलखंड से, चैता अवध एवं भोजपुरी क्षेत्र से। तो जो कजरी है ये रुहेलखंड से नहीं है, आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कजरी जो है ये आपका मिर्जापुर, बनारस और अवध से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर कजरी हो जाएगा, जो कि सुमेल नहीं करता है, यानी सुमेलित नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बहराइच, सुल्तानपुर और रायबरेली किस बोली के क्षेत्र में आते हैं या किस बोली के क्षेत्र हैं। तो ये अवधी भाषा के क्षेत्र हैं, आप याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ी, बघेली, ब्रजभाषा, अवधी दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर अवधी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है। तो शाकंभरी देवी मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है। ऑप्शन है वाराणसी, विंध्याचल, मेरठ, सहारनपुर। तो इसका करेक्ट आंसर है सहारनपुर, सा से शाकंभरी देवी और सा से सहारनपुर। तो शाकंभरी देवी मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है, सहारनपुर में किया जाता है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन में है कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा कि नृत्य उत्तर प्रदेश संबंधित है, समझे, तो कथक। इसका करेक्ट आंसर है कथक। कथक जो है उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। उसके अलावा जो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी है ये तमिलनाडु का है, ये कुचिपुड़ी ये भी तमिलनाडु का है, और ओडिसी उड़ीसा का है, ये तो क्लियर हो ही रहा है उसके नाम से, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 नंबर के निम्न में से कौन कथक कलाकार नहीं है। तो ऑप्शन में है बिरजू महाराज, किशन महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी। तो ये जो किशन महाराज हैं ये कथक कलाकार नहीं है, ये कथक से संबंधित नहीं है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 21 की, कि मिर्जापुर प्रसिद्ध है, मिर्जापुर किस लिए प्रसिद्ध है। कजरी के लिए, चरकुला के लिए, पावरा के लिए और नक्टा के लिए, किसके लिए। तो कजरी के लिए आपको बताया है कि मिर्जापुर कजरी के लिए फेमस है। उसके अलावा कजरी जो है वो अवध और बनारस क्षेत्र में भी किया जाने वाला नृत्य है। तो आगे बात करते हैं, कार्तिक एक लोक नृत्य है। कार्तिक लोक नृत्य कहाँ का है, बुंदेलखंड का है, अवध का है, पूर्वांचल का है, रुहेलखंड का है। तो कार्तिक जो लोक नृत्य है ये बुंदेलखंड का है या अवध का है, पूर्वांचल का है। तो याद रखेंगे कि जो कार्तिक है वो बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य है। करेक्ट आंसर इसका क्या है, बुंदेलखंड। तो कार्तिक जो है वो बुंदेलखंड का नृत्य है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया है। तो ऑप्शन में है बिंदादीन, उस्ताद दूल्हे खां, मेहंदी, इलियास खां। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो मेहंदी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है कि ये सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया है इन्होंने। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है, मेरठ में, अलीगढ़ में, लखनऊ में, आगरा में। तो इसका करेक्ट आंसर है आगरा में, जो सुलह कुल महोत्सव मनाया जाता है वो आगरा में मनाया जाता है। आप ऐसे ही याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश के आगरा में जो सुलह कुल महोत्सव मनाया जाता है, जो कि हिंदू मुस्लिम एकता का एक तरीके से सैम्बल है। आप नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, ये स्लाइड थोड़ा प्रॉब्लम कर रही है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना की थी, किसने की थी? तो ऑप्शन है महेंद्र नाथ सिंह ने, नंद किशोर शर्मा ने, शिवनंदन नौटियाल ने, विश्वनाथ मेहता ने। तो इसका करेक्ट आंसर है शिवनंदन नौटियाल ने। तो सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम आप याद रखेंगे, सत्यम शिवम सुंदरम ये जो चित्र है, सत्यम शिवम सुंदरम इस चित्र की रचना जो किसने की थी, तो शिवनंदन नौटियाल ने की थी, याद रखेंगे आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन में है गोविंद साहब अम्बेडकर नगर, ये मेला है गोविंद साहब जो मेला है अम्बेडकर नगर में लगता है, कैलाश मेला आगरा में लगता है, सैयद सालार मेला गोरखपुर, ये गलत है, ये सैयद सालार मेला ये सुमेलित नहीं है। और जो शाकुंभरी देवी मेला सहारनपुर, ये मैं बता चुका पहले ही कि शाकुंभरी सासे सहारनपुर ये रिलेट कर रहा है, आप रिलेट करके याद कर सकते हैं कि गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर में है, कैलाश मेला आगरा में है और सैयद सालार मेला गोरखपुर में नहीं है, ये बहराइच में है। इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि कहाँ है, तो बहराइच में है, ये बहराइच में है, आप याद रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? करा बटेश्वर मेला ये आगरा में है, कंफर्म है ये, तो करेक्ट है। देवा मेला ये जो है बाराबंकी में है, तो ये भी करेक्ट है। हरिदास जयंती जो है ये वृंदावन में मनाई जाती है, तो ये भी करेक्ट है। नौचंदी मेला बहराइच, ये इनकरेक्ट है क्योंकि बहराइच में सैयद सालार मेला लगता है, नौचंदी मेला जो लगता है वो मेरठ में लगता है, आप याद रखेंगे नौचंदी मेला मेरठ में लगता है, मेरठ नौचंदी मेला लगता है, मेरठ में लगता है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में सुमेलित नहीं है, आपको बताना है इसमें कौन सुमेल नहीं कर रहा है, कौन मैच नहीं कर रहा है, ये बताना है। तो ऑप्शन है उस्ताद विलायत खां सितार से संबंधित हैं, फिदा हुसैन नरसी ये हिंद रंगमंच से संबंधित हैं, सितारा देवी सहनाई से, तो यही कर इनकरेक्ट है, सितारा देवी सहनाई से नहीं है, सितारा देवी कत्थक से हैं और जतिन भट्टाचार्य सरोद, ये करेक्ट है। तो सितारा देवी किससे हैं? तो ये कत्थक से हैं, आप याद रखेंगे सितारा देवी का संबंध किससे है, तो कत्थक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन है पशु मेला बटेश्वर, ये करेक्ट है, पशु मेला बटेश्वर में लगता है, ध्रुपद मेला वाराणसी में लगता है, ये भी करेक्ट है, गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर में लगता है, ये भी करेक्ट है, माघ मेला कानपुर में, ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है क्योंकि माघ मेला कानपुर में नहीं, माघ मेला इलाहाबाद में लगता है, ये इलाहाबाद में लगता है माघ मेला। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, आप इसमें भी बताना है कौन सुमेलित नहीं है। ये सुमेलित वाले बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आपके यूपी से संबंधित। तो क्वेश्चन है कि भातखंडे संगीत संस्थान ये 1926 में बना था, तो ये करेक्ट है, बिल्कुल सही है ये। राजललित कला अकादमी 1962 में बनी थी, ये भी सही है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963 में बनी थी, तो ये भी करेक्ट आंसर है। ये भारत नाट्य अकादमी 1980, ये इनकरेक्ट है, ये सुमेल नहीं खाता, कह रहा निम्न में से कौन सुमेल नहीं है? तो भारतेंदु नाट्य अकादमी 1980 ये सुमेल नहीं है क्योंकि ये बनी थी 1975 में, आप याद रखेंगे भारतेंदु नाट्य अकादमी कब बनी थी, 1975 में बनी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो बात करते हैं ऑप्शन में है गंगा यमुना नर्मदा कृष्णा, तो इसका करेक्ट आंसर है यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रथम ट्रेवल मार्ट 2015 का आयोजन किया गया था कहां पर? ऑप्शन में लखनऊ कानपुर आगरा वाराणसी, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है लखनऊ। ये जो ट्रेवल मार्ट 2015 है इसका आयोजन लखनऊ में किया गया था, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विख्यात भारत माता का मंदिर कहाँ स्थित है? ये एक बहुत ही फेमस मंदिर है, भारत माता का मंदिर कहाँ स्थित है पूछ रहा है, ऑप्शन में है लखनऊ वाराणसी इलाहाबाद मेरठ, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो वाराणसी है, ये जो विख्यात मंदिर है ये वाराणसी में स्थित है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया, तो ये भगत सिंह के नाम पर किया गया था, शेखर आजाद के नाम पर किया गया था, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर किया गया था, मोतीलाल नेहरू के नाम पर किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर जो है, इसका करेक्ट आंसर है शेखर आजाद के नाम पर। ये इलाहाबाद स्थित जो अल्फ्रेड पार्क है ये इसका नाम बदल करके क्या चंद्रशेखर आजाद के नाम पर रख दिया गया है, तो याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन में है 1974, 1972, 1989 और 2001। तो इसका करेक्ट आंसर है 1974, ये 1974 में किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस जनपद में कालिंजर का किला स्थित है। तो ऑप्शन है झांसी, बांदा, चित्रकूट, जालौन। इसका करेक्ट आंसर है बांदा। कालिंजर का किला जो है ये बांदा में स्थित है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था माउंट आबू में, नैनीताल में, सरधना में, कानपुर में। तो इसका करेक्ट आंसर है सरधना में। ये जो सरधना है ये मेरठ में है, आपको बता दें ये मेरठ डिस्ट्रिक्ट है यूपी की, वहाँ पर स्थित है। और ये क्या बोलते हैं, कपड़े की दृष्टि से कपड़े की बहुत सारी फैक्ट्रियाँ यहाँ पर हैं, ये क्लॉथ इंडस्ट्रीज, और एक तरीके से चर्च के लिए काफ़ी फेमस है सरधना, जो कि मेरठ में है, आप याद रखेंगे। और बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण जो करवाया था वो सरधना में ही करवाया था, क्योंकि सरधना ही चर्च के लिए सबसे फेमस है, इसलिए वहीं पर एक प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था बेगम समरू ने, याद रखेंगे। और यह है कहाँ, तो मेरठ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महोदया जिसका पुराना नाम क्या है। महोदया का पुराना नाम पूछ रहा है इलाहाबाद, खजुराहो, कन्नौज, पटना। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ महोदया का पुराना नाम कि कन्नौज है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है। ये गाजीपुर में है, बलिया में है, वाराणसी में है, गोरखपुर में है। तो इसका भी करेक्ट आंसर गाजीपुर है। ये जो लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र जो स्थित है वो गाजीपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है। कपिल वस्तु नहीं है, कुशीनगर नहीं है, संकिसा नहीं है, श्रावस्ती नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर संकिसा है। जो संकिसा है वो बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है, आप याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल में नहीं आता है। तो ऑप्शन में है आगरा का किला, ये तो आता है, और फतेहपुर सीकरी ये भी आता है, ताजमहल ये भी विश्व धरोहर स्थल में आता है। आगरा का मकबरा ये इनकरेक्ट है, ये आगरा का मकबरा जो है ये विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है, ये विश्व धरोहर स्थल में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 42 निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलन नहीं है, आपको सुमेल करना है, इसमें मिलान करना है। कह रहा है वृंदावन मंदिर मथुरा में है, ये तो सबको पता है वृंदावन, बांके बिहारी का मंदिर जो है वो मथुरा में है, जेके मंदिर लखनऊ ये इनकरेक्ट है, जेके मंदिर लखनऊ में नहीं है, ये कानपुर में है, आप याद रखेंगे ये कानपुर में है जेके मंदिर। और ये विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है, बाबा विश्वनाथ बनारस वाराणसी में है, और देवीपाटन मंदिर तुलसीपुर में है, ये भी याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौशाम्बी स्थित प्रभासगिरी स्थल का संबंध किससे है। तो बौद्धों से है, जैन से है, शैव से है, वैष्णव से है। अगर पूछा जाए कौशाम्बी का संबंध किससे है तो बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है कौशाम्बी, लेकिन पूछ रहा है कौशाम्बी स्थित प्रभासगिरी स्थल का संबंध किससे है, तो ये केवल जैनों से संबंधित है, आप याद रखेंगे कि कौशाम्बी स्थित प्रभासगिरी स्थल का संबंध जो है वो केवल जैनों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज स्थित है, ये भी मैं पहले बता चुका हूँ आपको। ऑप्शन है आगरा में, इलाहाबाद में, गोरखपुर में, लखनऊ में। जिसका करेक्ट आंसर है लखनऊ में, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में स्थित है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा संत कबीर मलुक दास थे अयोध्या के, आगरा के, कौशाम्बी के, काशी के। तो संत कबीर मलुक दास जो थे वो कौशाम्बी के थे, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उदयन वास दत्ता की कथा संबंधित है। तो ऑप्शन में है श्रावस्ती से, कौशाम्बी से, मथुरा से, महिष्मती से। तो इसका भी करेक्ट आंसर जो है वो कौशाम्बी है। जो उदयन वास दत्ता की कथा जो संबंधित है वो भी कौशाम्बी से रिलेटेड करती है, या रिलेटेड है, या उसी से संबंधित है। उदयन वास दत्ता की कथा आप याद रखेंगे कौशाम्बी से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित किया गया है या स्थापित है, कहाँ स्थापित है। तो श्रावस्ती में, बिठूर में, कालपी में, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है बिठूर में, बिठूर कानपुर, आपको पता है, जैसा कि आप जानते होंगे और आशा करते हैं गए भी होंगे अगर आप कानपुर या उन्नाव आसपास क्षेत्र में रहते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं कि किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन देख लेते पहले, आगरा, इलाहाबाद, जौनपुर, लखनऊ। जिसका करेक्ट आंसर है जौनपुर। जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है, आप याद रखेंगे कि जौनपुर को क्या कहा जाता है, भारत का सिराज कहा जाता है, आप याद रखेंगे। इसकी खोज किसने की थी, तो शायद क्या बोलते हैं तुगलक थे, नाम नहीं याद आ रहा, आगे देखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था, अहिछत्र, हस्तिनापुर, काम्पिल, नैमिषारण्य। तो इसका करेक्ट आंसर है नैमिषारण्य। वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों के उपस्थिति में
संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था, तो वो जो स्थल है वो नैमिषारण्य है, आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि जौनपुर शहर की स्थापना किसने, देखो वही क्वेश्चन आ गया है कि जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन देख लेते, पहले मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम शाह सरकी, सिकंदर लोदी, तो इसका करेक्ट आंसर फिरोज शाह तुगलक है, यही नाम अभी याद नहीं आ रहा था। तो कभी कभी क्या होता है, कोई चीज़ माइंड में रहती है बट याद नहीं आती है, तो जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने की थी। तो ये क्वेश्चन आपके 50 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं आपको, और आशा करते हैं आपको समझ में भी आ गया होगा ये सारे क्वेश्चन, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपने सीरीज नहीं देखी मेरी पिछली लास्ट सीरीज, तो उनको भी जरूर देखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।